अच्छा मैडम जाने देंगे। अंकल मुझे आप खेलने सीन काफ़ी अच्छा लिखा है। जब मैंने ये सीन पहली बार पढ़ा था कि मतलब फायर होगी, मुझे आग को बुझाना है, तो आई वाज वेरी वरीड कि ये लोग कैसे ये सीन को एक्सिक्यूट करेंगे। बट आई एम वेरी हैप्पी विथ माय टीम, विथ माय डायरेक्टर एंड विथ माय प्रोडक्शन। उन्होंने काफ़ी हर चीज़ का ध्यान रखा है। और जैसा मैंने सोचा था कि यार आग कैसे बुझाऊंगा, मैंने लाइफ में कभी आग नहीं बुझाई है। मैंने लाइफ में कभी ऐसा सीन भी नहीं किया है कि जहाँ पर मैं आग बुझा रहा हूँ। तो हाँ, थोड़ा स्केरी था, बट बीइंग एन एक्टर वी हैव टू डू इट। थोड़ी बहुत चोट भी लगी हम सबको, बट माई को एक्टर्स अगेन दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे आर वेरी सपोर्टिव। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि हमें आग का कोई आइडिया नहीं है। वो मतलब अचानक से पहले वो आग लगी, देन उसने अचानक से जिस स्पीड से वो आग बढ़ रही थी, मैं समझ नहीं पाया, हम को एक्टर्स समझ नहीं पाया। तो अचानक से उस आग को बुझाने के चक्कर में हम एक्टर्स को थोड़ी बहुत चोट लगी है। मेरे हाथों पर थोड़ी क्या कहते हैं उसके आग के छींटे पड़े, वैभव के पड़े। तो या वी आर टेकिंग प्रिकॉशन, अभी आइसिंग और सोफर मशीन लगा रहे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आप मानोगे नहीं, आप अगर मेरा जीन्स देखोगे तो मेरी जीन्स जल चुकी है, मेरे जूते के नीचे भी वो चिपक चुका है आग। तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि ये दोनों एक हो जाए। वो आगे आपको देखना पड़ेगा शो कि मैं क्या करता हूँ। सो आई रियली वॉन्ट देम टू बी वन, एंड लेट्स सी। बट आई एम सॉरी, थोड़ा बहुत लग गया किसी को। ऑडियंस के लिए कि कीप वॉचिंग आवर शो शुभ लाभ। अभी टाइमिंग चेंज हुई है, मंडे टू सैटरडे 8 PM ओनली ऑन सोनी सब टीवी। अच्छा मैडम जाने देंगे। अंकल मुझे आप खेलने।